नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन मेरे और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत है। आज हम किसानों के ऊपर, जो किसान होते हैं हमारे, किसानों में कुछ युवा उद्योजक होते हैं, यानी किसानों में ही बहुत से लोग जैसे होते हैं कि उनको एक बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, लेकिन कुछ योजनाएं होती है जो उनको मालूम नहीं होती है। तो ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना। तो इसके अंदर पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा उद्योजक जो होते हैं, यानी किसानों के जो पुत्र वगैरह होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये योजना तैयार की है। और इस योजना के अंदर ये सारी चीज़ें कलेक्टर के थ्रू होती है। तो इसके अंदर हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके अंदर जैसे कि 1 लाख से लेकर तो 25 लाख तक हमें कर्ज मिलता है बैंक की तरफ से, और ऊपर से 35% सब्सिडी भी मिलती है। तो ये सब्सिडी कैसी मिलती है, उसके बाद ये इसके अंदर क्या क्या योजनाएं होती है, इसका कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, तो यहाँ पे एक जिला एक उत्पादन होता है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे को एक टर्मरिक के लिए, यानी हल्दी के लिए हमें ये डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। तो हल्दी का हम उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य अवरचन की सहायता, यानी हमें सारी चीज़ें वो गाइड करेंगे। उसके बाद आता है MCG, FPO, कोऑपरेटिव और व्यक्तिगत, यानी हम इंडिविजुअल भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, FPO भी ले सकते हैं, या फिर उसके बाद कोई जो छोटे छोटे फार्मर गट्स होते हैं वो भी ले सकते हैं, और इंडिविजुअल भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये SHG को प्रारंभिक पूंजी, यानी हमें जो फंड लगता है, यानी शुरुआत में जो बिजनेस करने के लिए फ़ंड लगता है, वो फंड भी ये पूरा आते हैं। ब्रांडिंग और बिक्री में सहायता, यानी ये हमें ब्रांडिंग भी करा के देते हैं, मार्केटिंग भी करा के देते हैं, और यहाँ पे बिक्री के लिए हमें प्रशिक्षण भी देते हैं। तो प्रशिक्षण और अनुसंधान की भी सहायता हमें मिलती है इसके साथ जरिए। क्षमता निर्यात में सहायता, कि हमें कितनी क्षमता से माल निकालना है, कितना बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो होती है योजना का कार्यान्वयन। तो ये योजना कैसे फलफूल जाती है, या उसके साथ जैसे कि कार्यान्वयन के लिए 5 साल की अवधि मिलता है, 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पूरे इंडिया में इस योजना को लागू करने के लिए। खर्च केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात के, पूर्वोत्तर राज्य में 900, यानी ये चीज़ें जो होती है इंटरनली होती है, 60% केंद्र सरकार का हिस्सा और 40% राज्य सरकार का हिस्सा। यह मुख्य तत्व जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन बनना चाहिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए ये योजना पंतप्रधान मोदी साहब ने ये बनाई हुई है। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस में महामारी चलते हुए कई लोगों को नौकरियाँ से रोज़गार चले गए, जिसमें देश में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। इसलिए ये योजना का स्टार्टअप किया हुआ है। देखिए, सबसे मेन चीज़ जो होती है इसका उद्देश्य, तो योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और लघु व्यवसाय करने वाले उद्यमी को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ना है। योजना के मेन घटक यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जैसे कि देखिए, सूक्ष्म योजना उद्योग उन्नयन योजना के लिए पात्रता क्या क्या है। देश में स्थायी निवासी होना चाहिए, छोटे बड़े उद्योगपति दोनों भी योजना के लिए पात्र है। उसके बाद एक परिवार का ही एक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। आयु तक कम से कम 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए। योजना का लाभ केवल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए ही किया जा सकता है, यानी ये बड़ी कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये नहीं ले सकते। आवेदन के पास उद्यम के स्वामित्व अधिकार होने चाहिए। तो ये आप सभी चीज़ें देख रहे हैं। आयु सीमा, यानी न्यूनतम कम से कम 18 साल के नीचे नहीं चलेगा और अधिकतम 40 के ऊपर नहीं चलेगा। तो चयन की प्रक्रिया कैसी होती है, देखिए आप, व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की पहचान समूह के चयन के माध्यम से की जाएगी। एक जिले एक उत्पादन में लगे उद्यम की वरीयता दी जाएगी। जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाएंगे, ये पूरे यहाँ पे दिख रहा है। आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र यानी रहवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इतने ही हमें आवश्यकता है। योजना के तहत समूह श्रेणी को सहायता,
यानी हमें कोई एफपीओ होती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, या फिर कुछ गट्स होते हैं, समूह होते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे फंडिंग मिलती है। राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान को सहायता मिलती है, उसके बाद योजना के तहत प्रशिक्षण में सहायता मिलती है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभ, हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे ये सारी चीज़ें देखिए। जैसे मैं आपको वीडियो में पहले ही कहा था कि हमें इस योजना के अंदर 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी 10 लाख तक लागत वाली परियोजना के लिए वेद उद्यमी को 35% सब्सिडी मिलेगी। तो योजना के तहत सब्सिडी द्वारा 10% अपना योगदान रहता है, उसके बाद बाकी का पूरा हमें बैंक से कर्जा मिलता है। ये योजना जो है 2021 मई में चालू किया गया है, तो 2024-25 तक चलेगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस योजना का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, देश में बेरोजगारी दर को कम करना, रोजगार सृजित करना। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के लिए कैसे आवेदन करना है इसके अंदर आपको दिखता है। देखो MOEFPI, तो वैसे मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप इस पर आप जाके साइन कर सकते हो। इस फॉर्म में दी गई सारी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें फ्री में आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री में ही मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण शासकीय योजना जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।